अस्सलाम वालेकुम। यूपी बिहार की फेमस सत्तू ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मियों के लिए बहुत ही खास होता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह से मार्केट का सत्तू ले सकते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं इस तरह का भुना हुआ चना। तो मैं 150 ग्राम भुना हुआ चना ले ली हूँ। इसे हमें मिक्सर के जार में डालकर बारीक पीस लेना है। तो इस तरह से पाउडर बना ली हूँ मैं इसे। अब मैं एक बड़े से बोल में डालूंगी पानी। तो यहाँ 750 ml पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं सारा पिसा हुआ चने का पाउडर डाल दूंगी इसमें। साथ में डालूंगी थोड़ा सा प्याज। तो यहाँ हाफ प्याज ले ली हूँ मैं, मीडियम साइज़ का प्याज था उसमें से आधा ले ली हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना डाल दूंगी। 2 मिर्ची लेकर बारीक काट ली थी उसे डाल दूंगी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाली हूँ। आधा छोटा चम्मच नमक डाली हूँ। आधा छोटा चम्मच डाली हूँ काला नमक। 1 नींबू का रस ले ली हूँ, इसे डाल दूंगी। और अब मैं मथनी की मदद से 8 से 10 मिनट तक इस तरह से मथ लूँगी। इससे क्या होता है, जो भी हम इसमें चीज़ें डाले हुए हैं अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। गर्मियों के लिए ये ड्रिंक बहुत ही स्पेशल होता है। आप इसे बनाकर सबको पिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये मथ ली हूँ और ये तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे ग्लास में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से निकालेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से नींबू और प्याज ये सब भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं ऊपर से। और ये तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।